आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा पढ़ने का मन करेगा। आपको पढ़ाई के प्रति अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अपने पढ़ाई के तरीकों में बदलाव लाओ। एक इफेक्टिव स्टडी प्लान पढ़ाई को आसान और मजेदार बना देती है, और जब पढ़ाई मजेदार लगने लग जाती है तो परिणाम भी इच्छानुकूल आता है। नंबर वन, सही जगह का चुनाव करें। हम जैसा वातावरण में रहेगा पढ़ाई उसी के अनुसार होगा। ऐसा कमरा लें जहां शांति रहे, जहां ना अधिक गर्मी हो और ना अधिक सर्दी। बैठने के लिए सही टेबल चेयर हो, किताबें तरीके से रखी हो जिससे कमरा व्यवस्थित लगे। अगर बहुत देर तक सीटिंग करनी है तो कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दें, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। नंबर टू, शुरुआत छोटी और सोच बड़ी रखो। दिमाग बंदर की तरह होता है जो इधर से उधर घूमता रहता है। यह एक पल में दुनिया में कहीं भी चला जाता है, इसलिए इसे तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। शुरुआत में पढ़ाई का समय कम रखो, फिर धीरे धीरे इस समय में बढ़ोतरी करो, लेकिन अपना टारगेट बड़ा रखो कि मुझे टॉप करना है या बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिल लेना है। सोच को बड़ी रखने से रोजाना के अभ्यास से माइंड भी कंट्रोल होने लगता है, पढ़ाई में मन लगता है और कम समय में ही बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। नंबर थ्री, अपनी प्रगति को देखें। पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना भी आवश्यक है, इससे आपको प्रेरणा और सफलता दोनों मिले। स्वयं से कुछ सवाल करें, जैसे इस हफ्ते में आप कौन कौन से कोर्स को पूरा करेंगे, आपका मेन टारगेट क्या है, आपका टाइम टेबल और तरीके आपके लिए सही वर्क कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो इसमें और कैसे सुधार लाया जा सकता है, आज आपका मुख्य कार्य क्या है। यदि ऐसे कई सवाल आप करते हैं खुद से तो आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। नंबर फोर, क्यों पढ़ें इसका कारण खोजें। पढ़ते वक्त कई विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में ना होकर और कहीं होता है, इसका मतलब उनका विजन क्लियर नहीं है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पहले इस उलझन को क्लियर करें कि पढ़ाई जीवन में क्या करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, करियर के लिए, पेरेंट्स का सपना पूरा होगा इसलिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, या सच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। सोचें ऐसा क्या कारण है जो मुझे इस वक्त पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कारण खोजने के बाद पढ़ाई में मन ना लगे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं लक्ष्य तैयार करता है तो उसे पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हो जाता है। नंबर फाइव, समय की कीमत समझें। आप अभी से यह आदत डालें कि सभी काम को समय से पहले पूरा कर लेंगे, इससे टाइम की बचत होगी और काम भी समय पर होगा। काम को टालने से काम का बोझ बढ़ता है जिससे मन विचलित हो जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लग। काम को समय पर करके आप समय पर पढ़ाई भी कर पाएंगे। कबीर जी कह गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात जो कल करना है उसे आज करें, और जो आज करना है उसे इस वक्त, परले कभी भी हो सकता है, तो उस कार्य को कब करोगे। नंबर सिक्स, तैयारी के साथ पढ़ें। पढ़ते वक्त जिन जिन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ती है उसे लेकर बैठें, इससे ध्यान भंग नहीं हो। पढ़ाई का टास्क पूरा होने पर खुद को उपहार दें, जैसे किसी टॉपिक को आपने अच्छे से अध कर लिया तो कुछ देर संगीत सुने या बात करें, या 10 मिनट के लिए टहलने चले जाएं, या फिर मोबाइल में गेम खेलें। सोचें आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न किस तरह का होगा, प्रश्न कैसे होंगे, मेहनत कितनी करनी, तैयारी कैसे करनी है। ऐसी कई जानकारी होती है जिसे प्राप्त करके खुद को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। नंबर सेवन, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें। चूँकि अक्सर ऐसा होता है जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और हमारे पास किसी भी तरह का मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि हो तो उससे हमारा दिमाग भटकता है। अगर आप लंबे समय तक बिना विचलित हुए पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी सभी वस्तुओं को खुद से दूर रख दें जिससे आपका ध्यान भंग होता हो। यह चीज़ें आपको ऐसे उकसाती है, बस थोड़ी देर की तो बात है, लेकिन इस थोड़ी देर में बहुत देर हो जाती है और आपके समय का बहुत नुकसान करवा देती है। पढ़ाई अच्छे चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पढ़ाई में मन लगे वो भी बिना रुकावट के, तो इन चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लें। नंबर एट, अनुशासित होकर पढ़ें।
अगर आपको मन लगाकर अधिक देर तक पढ़ाई में ध्यान देना है तो आपको अनुशासन का पालन करना होगा। एक अनुशासन ही वो चीज है जो आपके मन को वश में करके पढ़ाई से दोबारा ध्यान हटने नहीं देता। जब भी आपका मन इधर उधर जाए तो खुद से कहिए कि नहीं, मैं इतने घंटे पढ़ने का संकल्प लिया हूँ। इससे आपका मन गलत दिशा में नहीं जाएगा और पढ़ाई पर केंद्रित हो जाएगा। आप जिस कमरे में पढ़ते हैं उस दीवार पर यह लिख कर चिपका लें कि मैं पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करूँगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो उसे समझें और समाधान निकालें। समय के साथ आप टाइम टेबल के अनुरूप पढ़ाई करने के लिए अनुशासित हो जाएंगे। पढ़ाई को मजा समझ कर पढ़ें, बोझ नहीं। इससे आप पढ़ाई को समझ कर पढ़ेंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। अनुशासन का यह मुख्य पहलू है। एक समय में एक काम को पूरा करें, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ करने से मन पढ़ाई से हट जाता है। नंबर 9, नियमित पढ़ाई जरूरी समझें। दुनिया के सभी सफल काम एक योजना के तहत होता है, ठीक उसी तरह नियमित पढ़ाई के लिए एक योजना बनाएं। पढ़ाई नियमित रहे उसके लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और निर्धारित समय अनुसार पढ़ाई करने बैठें। पढ़ाई को कभी भी प्रतिदिन के कार्यों से अलग ना समझें। अपने शरीर को समझाना होगा कि आपके लिए कौन सा समय सही है पढ़ने के लिए, रात या दिन, उसी अनुसार चार्ट बनाएं और हमेशा उस चार्ट को फॉलो करें, जिससे आपको उत्साहित हो। टाइम टेबल को कठिन नहीं बल्कि आसान बनाएं, जिससे आपको पढ़ाई उबाऊ नहीं लगे। नंबर 10, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ाई तो क्या, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। अच्छी नींद से हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं और शरीर को भी आराम मिलता है, जिससे पढ़ा हुआ याद रखने में भी मदद मिलती है। 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन यह नींद क्लासरूम में बिल्कुल नहीं। तैयारी करते वक्त पढ़ने के लिए समय की बहुत कमी होती है, तो उस वक्त खुद से प्रश्न करें, इस वक्त पढ़ाई जरूरी है या चिंता। इसलिए तनाव में वक्त जाया ना करते हुए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 11, सही भोजन लें और योग करें। पढ़ते वक्त अच्छे खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य भी उत्साह के साथ पूरे होते हैं। रोजाना सुबह 20 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग के ध्यान लगाने की क्षमता तेज होती है और शरीर पूरे दिन ऊर्जावान बना रहता है। शुरू शुरू में योग की अवधि कम रखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अतः दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हर अमेजिंग फैक्ट्स तथा मोटिवेशनल वीडियो का ताज़ा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।